हेलो ट्रेडर्स, आज के एनालिसिस की शुरुआत करते हैं निफ्टी के 15 मिनट चार्ट से। अभी के लिए अगर हम 15 मिनट चार्ट में यहाँ पे देखें तो 9889 से जो डिक्लाइन है वो अभी तक ये थ्री वेव डिक्लाइन हमें लग रहा है, तो पॉसिबल है कि ये एबीसी डिक्लाइन हो सकता है। तो एबीसी डिक्लाइन के बाद फिर से हमें एक नया इम्पल्स देखने को मिलता है जनरली, लेकिन यहाँ से 8807 से जो बाउंस है वो मुझे पर्सनालिटी के हिसाब से या तो फिर पैटर्न के हिसाब से मुझे किसी भी तरह से इंपल्सिव नहीं लग रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी लीडिंग डायगोनल की भी हो सकती है, लेकिन लीडिंग डायगोनल भी ये मुझे नहीं लग रहा है। तो ये एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये करेक्टिव बाउंस है, और करेक्टिव बाउंस के बाद हमें फिर से एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है जो कि 8807 के नीचे जा सकता है। यही एक पॉसिबिलिटी मेरे ध्यान में आ रही है। और अभी के लिए अगर रेजिस्टेंस रेंज की बात करें तो ये लास्ट इंपल्स का जो रिट्रेसमेंट आ रहा है वो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है 38% 9103 पे, और 50 और 61% भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये तीनों मेरे ख्याल से अभी रेजिस्टेंस रेंज हो सकती है निफ्टी के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पैटर्न मुझे करेक्टिव लग रही है, तो मेरे ख्याल से 8807 के नीचे निफ्टी एक बार जाना चाहिए। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे मैं आपको 30 मिनट चार्ट आपके सामने रखा है। 30 मिनट चार्ट में अगर हम देखें तो डिक्लाइन जो है 21967 से जो है यहाँ से एक इम्पल्सिव वेव पूरा हुआ, और उसके बाद फिर एक करेक्टिव बाउंस, और उसके बाद फिर से एक हमें इम्पल्सिव डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो ये जो डिक्लाइन है AOR 1 BOR 2 और COR 3 हो सकता है, लेकिन COR 3 का जो मिनिमम प्रोजेक्शन होता है 100% वो भी अभी तक यहाँ पे बैंक निफ्टी ने अचीव नहीं किया है। तो इस चार्ट में भी अगर हम देखें बैंक निफ्टी में भी तो कोई मेजर इंडिकेशन अपसाइड का हमें अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 17812 से लेके 18249 ये जो है एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज हो सकती है बैंक बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी 18249 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो ही हम बैंक निफ्टी को पॉजिटिव मान सकते हैं, अदरवाइज बैंक निफ्टी के लिए भी ये एक रेजिस्टेंस रेंज है, इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज, और बैंक निफ्टी भी इस रेजिस्टेंस रेंज से डिक्लाइन दे सकता है। अब अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्क्रीन पर जो राउंड बटन है उस पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का एनालिसिस आपको रोज मिलता रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।